शत्रुघ्न सिन्हा का मोदी के मंत्री बाबुल सुप्रियो को पहचानने से इनकार। कहा, कौन है बाबुल सुप्रियो नहीं जानता। बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा लगातार अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हाल ही में राजस्थान में बीजेपी को मिली करारी हार पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसा था, जिस पर मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पलटवार किया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने तो बाबुल सुप्रियो को पहचानने तक से ही इनकार कर दिया। दरअसल बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा किसानों की कई मांगों को लेकर बीते कई दिनों से धरने पर थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कलेक्टर दफ्तर के बाहर इस धरने में शामिल होने रविवार को शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे थे। इसी दौरान जब शत्रुघ्न सिन्हा से उनको लेकर बाबुल सुप्रियो के बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में पूछा, कौन है ये, मैं नहीं जानता। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने किसानों के मुद्दों पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कर उन्हें उनका हक दिलाने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता राष्ट्र मंच के तहत अन्नदाता के साथ संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी उनको अपना समर्थन देने आया हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है बल्कि संघर्ष है, और हम चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और उनका अधिकार मिलना चाहिए। इससे पहले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राजस्थान में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट को लेकर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 3 तलाक देने वाला राजस्थान पहला प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को झटका देते हुए विरोधियों ने रिकॉर्ड अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की है। शत्रुघ्न सिन्हा के इसी तंज का जवाब देते हुए बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा को बोलता हूं कि उनको इतनी नफरत है तो क्यों रोज आकर संसद में बैठते हैं, क्यों ऐसे हालात पैदा करते हैं कि दूसरों को बोलना पड़े। खामोश, ड्रेसिंग रूम की बात वहीं रहनी चाहिए। आप 3 तलाक दीजिए और खुद छोड़ दीजिए बीजेपी। लेकिन बीजेपी सांसद ने तो उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।